क्या चल रहा है आजकल? आजकल हवा चल रही है। ते हवा दे विच बेशुमार वबाई बीमारियां चल रही हैं। अब तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे खुसरे नु पेंट कोट पोया है। एहो जी कुड़ी ना अपने खाओ मन नु बिला वजह चाड़ती रहती है। स्टूपिड, आपको समझ नहीं आ रही, लास्ट वार्निंग फॉर यू। उधरों बिल्ली आवे तो ओनू कहती और आ जानू मुझे बताओ, अभी तो मैंने आटा भी गूंदना है, बच्चों को रोटी भी उगानी। अस्सलाम वालेकुम, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका अगर हम थिएटर की दुनिया का ज़िक्र करें तो उनका ज़िक्र ना हो तो मैं कहती हूं थिएटर का ज़िक्र ही अधूरा रहेगा। जी, मैं ज़िक्र कर रही हूं जावेद कोडू साहब का। नामवर कॉमेडियन है, परफॉर्मर है। परफॉर्मेंस की, कॉमेडी की बात करें तो इनकी खिदमात को हरगिज़ भुलाया नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपने तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर दी हैं। अंकल, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं थे, मेरे तो अल्फाज कम पड़ गए हैं। अच्छा जी, तो मेरी खुश नसीबी है कि मैं अमानुल्लाह साहब का मतलब मुलाजिम रहा हूँ। अमानुल्लाह साहब का मुलाजिम और अपना हाजी अलबेला साहब का मुलाजिम, अपना ज़रीफ़ फैमिली का मुलाजिम, जमील बिस्मिल साहब का, वही अख्तर साहब का, वो नासर हुसैन साहब और वो इफ्तिखार हैदर साहब। वालिद साहब का तो मुलाजिम होता ही नहीं। नहीं नहीं, वालिद साहब के मुलाजिम की बात ना करें, और वो तो हमेशा आपकी बहुत इज्जत किया करते थे, और मुलाजमत की बात ना करें। खैर, आगे बढ़ते हैं और जावेद कोडू साहब आपसे जानते हैं क्या चल रहा है आजकल। आजकल हवा चल रही है। अच्छा, सही क्या ते हवा दे विच बेशुमार वबाई बीमारियां चल रही ने। और आजकल मतलब झूठ चल रहा है, फ्रेब चल रहा है, मिलावट चल रही है, और एक दूसरे से धोखाबाजी चल रही है, और अल्लाह का खौफ नहीं है, हर तरफ झूठ चल रहा है। वैसे तो बेशुमार ऐसी कंट्रीज हैं जहां आप गए हैं, कहां नहीं जाना हुआ? मेरा ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना हुआ, न्यूजीलैंड नहीं जाना हुआ, और मुझे याद है कि बस थोड़े से वो क्या नाम लेते हैं, वो जो ब्रुनेई है, उधर नहीं जाना हुआ, बाकी सब जगह गया। अच्छा, अपने फेवरेट, जैसे आपने इतने सारे प्लेस किए जावेद कोडू साहब, आपका पसंदीदा प्ले, आपका पसंदीदा थिएटर ड्रामा कौन सा रहा आपके नज़दीक? मेरे नज़दीक सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि जब अमान साहब, हाजी अलबेला साहब, तारक जुवेद साहब, मस्ताना साहब, शौकी खान साहब, आबद खान साहब, और जितने भी बड़े बड़े हैं सारे फनकार, सुहेल अहमद, और किस किस का नाम लूँ मैं, मतलब सारे ही तो नेकियों से भरे पड़े हैं, तो अब इनमें मैं क्या नाम लूँ। तो इनको देखते ना मुझे कोई उछकल सी हो जाती थी कि इनको ना कोई गुटपटांग बात करूँ, वो फिर अच्छी तरह मेरी खबर लेते थे। अच्छा। अच्छा, इस वक्त हम बारी स्टूडियो में क्योंकि मौजूद हैं, और जावेद कोडू साहब से हम बड़े दिनों से रابطे में थे, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम प्रोग्राम करेंगे कहाँ। तो आज बिलाखिर जावेद कोडू साहब बारी स्टूडियो में पाए गए, तो हमने सोचा यहाँ आकर ही इनके साथ एक छोटी सी वीडियो अपने व्यूवर्स के लिए बना ली जाए। जावेद कोडू साहब बारी स्टूडियो आकर कैसा महसूस करते हैं, और यहाँ रहते हैं, दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, यहाँ आने की वजह क्या? बेटा, यहाँ आके दिल लग जाता है, वो जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। ये नसीम हैदर शाह साहब, उनका ऑफिस है, उनको देख के मेरा वो सारा पुराना ना याद आ जाता है। जब हम लोगों को कोई नहीं पूछता था ना फिल्म लाइन में, ये नसीम हैदर शाह साहब और हसैन साहब और डार साहब और वो अल्ताफ़ हुसैन साहब, ये तो हमें ना बहुत ही प्यार किया करते थे, और हजरात भी करते थे, लेकिन ये उजागर लोगों में और थिएटर की दुनिया में तो सारे ही, मैं कहता हूँ सोना या हीरा उनको कहना छोटी बात है। अच्छा, अभी आप बारी स्टूडियो आए हैं इन लोगों से मिलने के लिए, तो क्या थिएटर भी जाना होता है और थिएटर के फनकारों से मिलकर, और मौजूदा जो थिएटर चल रहा है अलहमरा थिएटर है, वहाँ जाकर भी यही यादें ताज़ा करते हैं? बेटा, अलहमरा जाता हूँ, लेकिन आजकल ना वो हालात नहीं, तो
बस ना किसी को ये पता है कि कोई बड़ा आया है इसके सामने कैसे बोलना है, या कोई बड़ा आया है इसके सामने कैसे गुफ्तगू करनी, कैसे बात करनी। अभी ईद से पहले मैं 2 वीक करने गया कोई थिएटर के, तो ना मुझे उनकी समझ आई ना उनको मेरी आई, क्योंकि मैं बिल्कुल ही समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। जो थिएटर आपने किया, आप उस थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू को, प्रॉस्पेक्टस को लेकर चलना चाह रहे थे? हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ और ही मामला चल रहा था, और नहीं बिल्कुल ही और चल रहा था। ये आजकल का थिएटर है तो थिएटर ही, लेकिन ये थिएटर हो चुका है। सही। जैसे वो मेलों में नहीं होता था, लेकिन वो भी कुछ मायूब नहीं होते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे खुसरे ने पेंट कोट बोया है। अच्छा, अंदर तो जुगतबाज तुसी छुपा के रखे आ ले, छुपा दो दिन जुगता मैनू भी लाओ, बचपन से तुसी बड़ियां लांदे सो। एहो जी कुड़ी ना अपने खाओ मन्नू बिला वजह चाड़ती रहती है। स्टूपिड, आपको समझ नहीं आ रही, लास्ट वार्निंग फॉर यू, यू नो उधर बिल्ली आवे थे उन्होंने कह दी, और जानू मुझे बताओ अभी तो मैंने आटा भी गूंदना है, बच्चों को रोटी भी खानी, जानू ये बिल्ली को परे करो। हो क्या बात है, तुसी तो पूरा मेरा नक्शा एक जुगत च खिंचता है। जावेद गोडू साहब, हमारी मौजूदा नस्ल को कोई मैसेज देना चाहते हो? बेटा मैसेज तो सबसे बड़ा सरकार रहमत अलैहिस्सलाम से बड़ा उनसे कोई है ही नहीं मैसेज। हम उनकी बातों में, मतलब उनकी गुलामों में आ जाएं, यही हमारा सबसे बड़ा मैसेज है कि बस भाई हम जहां भी हों, दुनिया के किसी कोने में हों, तो ना अल्लाह से छुप सकते हैं ना भाग सकते हैं, और जाना भी अल्लाह के पास है। और किस मुँह से कहेंगे कि सरकार रहमत लिल आलमीन आप हमारी शिफात कर दें, हम बड़े धोखेबाजी करके आए हैं, हम बड़े फ्रॉड करके आए हैं, हम बड़ी मिलावट करके आए हैं, हमने बड़े मतलब ऊट पटांग काम किए, तो हमारी शिफात कर दें। क्या किस बात पे शिफात कर दें? हमारी ही फील्ड के, आपकी फील्ड के जितने भी नए आने वाले कॉमेडियंस हैं उनको क्या नसीहत करेंगे? ये तो आपने दुनियावी और दीनी लिहाज से बड़ा प्यारा मैसेज दिया, प्रोफेशनल लिहाज से अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए क्या मैसेज देंगे जूनियर? बस वो जिस फील्ड में भी आना चाहते हैं, एक्टर आना चाहते हैं, तो पहले एक्टरों को वॉच करें कि वो क्या थे, उनका क्या क्या नाम था, डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, मेकअप आर्टिस्ट कौन थे, और प्रोड्यूसर कौन थे। अगर कोई गुलूकार बनना चाहता है तो वो गुलूकारों को पहले पहचाने के ये इनकी कैटेगरी क्या है, तो मौसीकार बनना चाहता है तो फिर उनको वॉच करे, अगर कोई डांस मास्टर बनना चाहता है तो उनको वॉच करे, डायरेक्टर बनना चाहता है उनको वॉच करे। आजकल कोई वॉच नहीं करता, बस याद की डॉज करता है, डॉज करता है। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल डॉज करता है। बहुत शुक्रिया जावेद गोडू साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, टुडे डिजिटल की जानिब से आपने जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें एक बहुत प्यारा मैसेज था कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए, और इसके साथ साथ जितने भी नए आने वाले आर्टिस्ट हैं, थिएटर के कॉमेडियंस हैं, जो मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए भी एक मैसेज था कि अपने सीनियर्स की जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक बेहतर मुआशरा बना सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ, नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।